कोरिया जिले के बैकुंठपुर से मनेंद्रगढ़ आ रही पुलिस पेशी वाहन बेलबहरा रेलवे फाटक के समीप अनियंत्रित होकर खेत में जाकर पलट गई। वाहन के अंदर 3 पुलिसकर्मी सवार थे, कोई हताहत नहीं हुआ और सभी सुरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए जल संसाधन विभाग के ई आरबी सिंह, एसडीओ आरबी चौरसिया और सब इंजीनियर डीके आर्य को 19 जून 2022 को निलंबित कर दिया गया। इन तीनों अफसरों को एसीबी की जगदलपुर इकाई की टीम ने 17 जून को गिरफ्तार किया था। लोरमी में डॉक्टर दिनेश साहू के साथ मारपीट होने का मामला सामने आया है। डॉक्टर से 5 युवकों ने मारपीट की। मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। शिकायत के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आंध्र प्रदेश से रायपुर आ रहे केबल वायर से भरी तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर नाले में घुस गई। ये हादसा मोहला अम्मागढ़ चौकी के बीच मामा भांजा मोड़ के पास हुआ है। ट्रेलर नाले में गिरने से उसके परखच्चे उड़ गए और ड्राइवर केबिन में बुरी तरह फंस गया। हादसे में ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। रायपुर की तेलीबांधा थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र अंतर्गत लाभांडली स्थित मकान में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 72 नग सिलेंडर, 2 नग वैक्यूम मशीन, बिजली बोर्ड वायर, पाना पेचकस एवं अन्य उपकरण जब्त किए हैं। जब्त किए गए सामान की कीमत लगभग 1,31,000 रुपए है। रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित फॉरेस्ट कॉलोनी के पीछे रोड किनारे पंडरी के पास दो पहिया वाहन में प्रतिबंधित नशीली टेबलेट को बिक्री करने के फिराक में घूम रहे आरोपी मोहम्मद सरफराज को पकड़कर उसके पास से प्रतिबंधित नशीली टेबलेट जब्त की गई है। डेढ़ साल की बच्ची से रेप के आरोप में पिछले 24 दिनों से जांजगीर जिला जेल में बंद आरोपी रामशरण यादव को देर रात तबियत बिगड़ने पर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आरोपी बच्ची को घुमाने के बहाने घर से ले जाकर मासूम से दुष्कर्म किया था। बलौदाबाजार भाटापारा वन क्षेत्र में जानवरों का शिकार करने के लिए घूम रहे 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों को लवण रेंज के पिपरछड़ी के पास जंगल से पकड़ा गया। सभी आरोपी रायपुर जिले के रहने वाले हैं। आरोपियों में वन विभाग की बीट गार्ड, माइनिंग विभाग में सुपरवाइजर और पीडब्ल्यूडी में ठेकेदार का काम करने वाला भी शामिल है। रायगढ़ जिले में चोरी के शक में एक युवक को 4 लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर मौत के घाट उतार दिया। 15 जून की देर रात ओम साई क्रेशर प्लांट के रिसाइकल एरिया में दिलीप राठिया ने अपने साथ हुई घटना की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कारमेल स्कूल रायगढ़ के पास आशीष ऑटो सेंटर के मालिक कमल अग्रवाल को एक व्यक्ति ने 1,00,000 का चेक देकर 10,000 रुपए नकद मांगा और नकली चेक बैंक सप्लाई ऑर्डर थमा दिया। उस व्यक्ति का यह कारनामा सीसीटीवी में कैद हो गया। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अंबिकापुर मनेंद्रगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर होली क्रॉस स्कूल के नजदीक बारातियों से भरी बोलेरो और ऑक्सीजन सिलेंडर परिवहन में लगी मिनी ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बोलेरो सवार 7 लोगों के अलावा मिनी ट्रक के चालक को चोटें आई हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा के जगरगुंडा थाना क्षेत्र में एंटी नक्सल ऑपरेशन पर सर्चिंग के दौरान जवानों ने 10 किलो की जिंदा आईडी बरामद की है। नक्सलियों ने जवानों को क्षति पहुंचाने के इरादे से सुरंग बनाकर इसे प्लांट कर दिया था, जिसे बरामद करने के बाद बम निरोधक दस्ते की टीम ने उसे डिफ्यूज कर दिया। नगर निगम बिलासपुर की फर्जी रसीद बुक और दस्तावेज तैयार कर भोले भाले लोगों को पीएम आवास दिलाने के नाम पर लूटा जा रहा है। सिविल लाइन पुलिस ने ऐसे ही एक मामले में 2 आरोपियों सहित अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से रसीद बुक, कंप्यूटर सहित अन्य सामान जब्त किए गए हैं।
राजनांदगांव जिले के आबकारी विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर अवैध रूप से शराब तस्करी करते दो वाहनों से 50 पेटी शराब जब्त की है। जब्त शराब की कीमत करीब 14 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। बालोद जिले के अर्जुंदा में शनिवार की शाम राजनांदगांव से गुंडरदेही मार्ग पर चलने वाली शर्मा ट्रेवल्स की एक बस पलट गई, जिसमें मौके पर ही बस कंडक्टर पन्नालाल साहू की मौत हो गई। वहीं 20 यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें से 5 को राजनांदगांव रेफर किया गया है। शनिवार को बेमेतरा जिले की कंडरका चौकी पुलिस ने ग्राम बहरघट नदी के किनारे 7 लोगों को जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़ा। वहीं पुलिस को आते देखकर कुछ जुआनी भाग निकले। प्रकरण में 7 जुआनियों से 11,500 रुपए जब्त किए गए हैं। मक्का खरीदी में ठगी के शिकार हुए सैकड़ों किसानों ने शनिवार को पुनः कांकेर जिले में पखांजूर थाने के सामने स्टेट हाईवे क्रमांक 25 पर बैठकर सड़क जाम कर दिया। ठगे गए किसानों को मक्का का कुछ पैसा भुगतान करने का आश्वासन आरोपी के पिता ने दिया था। धमतरी जिले के नगर पंचायत आमदी रोड में एक हाईवा व पिकअप में आमने सामने भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में पिकअप चालक वाहन में फंस गया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और चालक को मशक्कत करने के बाद बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। दंतेवाड़ा जिले की गिदम पुलिस ने नकली सोना को असली बताकर सोने चांदी की दुकान में बेचने फिर बदले में दूसरे गहने लेकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर उत्तर प्रदेश और उड़ीसा की एक महिला सहित 4 आरोपी को गिरफ्तार कर उनके पास एक 71,000 रुपए नगद, एक कार, नकली सोने के आभूषणों में 4 नग कंगन, 8 नग चेन, 17 नग लॉकेट, 2 नग हार कड़ा समेत अन्य सामान बरामद किया है। बिलासपुर की सरकंडा थाना पुलिस ने हत्या के फरार आरोपी धीरज महानंद को पुरानी बस्ती पुलगांव दुर्ग से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने संप्रेक्षण गृह से फरार हुए मृतक राहुल साहू को मारपीट करते हुए धारदार हथियार एवं पत्थर से चोट पहुंचाकर उसकी हत्या की थी। सूरजपुर जिले के झिलमिली थाना क्षेत्र में ग्राम दवनसरा से शादी का निमंत्रण देकर वापस लौटने के दौरान थकावट व नींद लगने के कारण दर्रीपारा गौशाला के पास प्लेटिना मोटरसाइकिल खड़ी कर सो रहे प्रकाश रजक की बाइक को चोरी करने वाले आरोपी संजय सोनवानी को झिलमिली पुलिस ने चोरी की बाइक सहित गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ जिले के आबकारी विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम लोइंग निवासी महेश सतनामी के घर छापा मारा। जांच के दौरान महेश के घर से उड़ीसा राज्य में बेचे जाने योग्य लेबल लगी 16 नग किंगफिशर स्ट्रॉन्ग बियर मात्रा 10.4 लीटर जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक शाखा में रात के समय चोर घुस गए और स्ट्रांग रूम का लॉकर तोड़ने का प्रयास किया। सफलता नहीं मिली तो सरकारी मोबाइल सीसीटीवी कैमरा डीवीआर सहित करीब 26,600 रुपए का माल लेकर फरार हो गए। रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट माना में कार्गो सेवाएं 3 दिन से ठप है। यहां कार्यरत 28 कर्मचारियों ने एक साथ नौकरी छोड़ दी। सूत्रों के मुताबिक नौकरी छोड़ने के पीछे कंपनी द्वारा कर्मचारी विरोधी रवैया सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की बढ़ती दर के बीच दुर्ग भिलाई में कोरोना विस्फोट हुआ है। वहां 3 महीने में पहली बार 23 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। नए मरीज की बाढ़ के साथ प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 406 हो गई। इनमें सबसे अधिक 119 मरीज केवल रायपुर में ही है। दुर्ग में 64 मरीज है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डीलरों ने सुचारू रूप से तेल सप्लाई को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से गुहार लगाई है। कंपनी के डीलरों ने मुख्यमंत्री को बताया कि बीते 3 महीनों से उनके पंपों में पेट्रोल डीजल की सप्लाई प्रभावित है। एडवांस में भुगतान करने के बावजूद कंपनी द्वारा तेल की सप्लाई नहीं की जा रही है।